कांग्रेस के नेता, मध्य प्रदेश के दो बार मुख्यमंत्री रहे दिग्विजय सिंह, जो कल अपना पर्चा भरने जा रहे हैं कांग्रेस अध्यक्षता के लिए। आप स्माइल कर रहे हैं, क्यों? ये स्माइल के पीछे क्या है, ये राज क्या है? दिग्विजय सिंह जी, क्या होने वाला है? देखिए, अभी इस पर भी ऐतराज होने लगा आपको। नहीं नहीं, ऐतराज नहीं, मैं पूछ रहा हूँ ये। नहीं, ये पूछा जा रहा है कि दिग्विजय सिंह जिन्होंने कहा था राजदीप कि अगर मैं कैंडिडेट से संतुष्ट नहीं हूँ तो मैं नामांकन दाखिल करूंगा, तो आप जो इस मुस्कुरा रहे हैं, क्या राज छुपा रहे हैं? क्या एक और है, कैंडिडेट आने वाला है, वाइल्ड कार्ड एंट्री होने वाली है? अब मुझे वाकई में नहीं मालूम। अब ये तो कांग्रेस प्रेसिडेंट ने इसको खुला छोड़ दिया है। और हर व्यक्ति को अधिकार है, जो भी पीसीसी डेलीगेट है वो अपना फॉर्म भरे। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि दो हफ्ते पहले या एक महीने पहले मौसमी और मैं इसी गार्डन में आपके साथ थे और आप हंसने लगे जब हमने कहा कि क्या आप अध्यक्ष के लिए नॉमिनेशन भरेंगे। क्या बदला कि सडनली दिग्विजय सिंह ने तय किया कि मैं अध्यक्ष बनना चाहता हूँ? ऐसा कुछ नहीं है, मैं हमेशा से इस बात को कहता रहा हूँ, आप 30 तारीख का इंतजार करिए, आज 29 है ना। नहीं नहीं, क्या ये आपने पहले से मन बना लिया था या जो अशोक गहलोत के साथ हुआ उसके बाद दिग्विजय सिंह ने तय किया कि अब मैं इस लड़ाई में कूद जाऊंगा? सच्चाई बताइए। देखिए, बात यह है कि अभी तक ऐसा ही महसूस किया जा रहा था कि शायद अशोक गहलोत जी हमारे ऑफिशियल कैंडिडेट हो सकते हैं, तो हमने स्वीकार किया। और अगर अशोक गहलोत जी चुनाव में खड़े होते हैं तो उसको हम लोग हमेशा इज्जत से देखते हैं, क्योंकि अशोक गहलोत जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने हमेशा से पार्टी के हित में काम किया है और गांधी विचारधारा के हैं और लॉयल रहे हैं हमेशा पार्टी के। लेकिन ये जो अभी अप्रिय घटना हो गई जयपुर में, जिसे टाला जा सकता था, उसके कारण ये दिक्कत आ रही है। आप ऑफिशियल कैंडिडेट हैं? नहीं। आपने कहा कि अशोक गहलोत ऑफिशियल कैंडिडेट, क्या नहीं, उनकी जगह आप ऑफिशियल कैंडिडेट हैं? नहीं, मैं कोई ऑफिशियल कैंडिडेट नहीं हूँ, मैं अपना स्वयं के विवेक से खड़ा हुआ हूँ, मुझे किसी ने खड़ा होने के लिए नहीं कहा। नहीं, महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या अशोक गहलोत को कहा गया कि मत खड़े होइए या अपने मन से नहीं खड़े हुए हैं? क्या क्या उनको संकेत मिले कि नो एंट्री है आपकी कैंडिडेट के तौर पे? आप उनसे पूछिए, मुझसे क्यों पूछ रही है? लेकिन कहीं ना कहीं जो जैसे मौसमी कह रही है, क्या ये पूरे प्रक्रियण से ये कांग्रेस अध्यक्षता पद पर एक सवाल उठा है? आप लोग कहते हैं गांधी परिवार न्यूट्रल है इसमें, लेकिन आप सब जाते हैं सोनिया जी के घर उनका एक तरह से आशीर्वाद लेने या उनको बताने, तो कहीं ना कहीं गांधी परिवार तो इन्वॉल्व है कि हु इज गांधी परिवार का कैंडिडेट, ये लोग पूछ रहे हैं। राजदीप जी, बिना नेहरू गांधी परिवार के कांग्रेस पार्टी शून्य है, इस बात को समझ लीजिए। इस पार्टी में कई बार विभाजन हुए, लेकिन 99% कांग्रेस जनों ने इंदिरा जी से लेकर आज तक हमेशा से उस परिवार का साथ दिया जिस परिवार ने आजादी के पहले सर्वत्र न्यौछावर किया और आजादी के बाद देश की सेवा करते हुए दो दो हमारे इस परिवार के बड़े नेता शहीद हुए। दूसरा कोई ऐसा परिवार बता दीजिए जो इसका जिसने इतना त्याग किया हो। नहीं नहीं, पर यही तो बात है ना कि परिवारवाद क्या अभी भी रहेगा? अध्यक्ष बनने से क्या होगा? आप अध्यक्ष बने, शशि थरूर बने, लेकिन कमान तो गांधी परिवार के हाथों में रहेगी। आपको परिवारवाद से इतनी नाराजगी क्यों है, मैं जानना चाहता हूँ। मुझे नहीं, जनता जो है, आपने देखा दो चुनाव में नरेंद्र मोदी जी ने चुनाव बनाया कामदार बनाम नामदार। बात यह है, नरेंद्र मोदी जी कौन है, क्या है, कैसे हैं, जितना शायद दिग्विजय सिंह जानता है आप लोग नहीं जानते। अच्छा, ये बताइए दिग्विजय जी कि लगातार ये कयास जोरों पर है कि दिग्विजय सिंह सीरियस कैंडिडेट नहीं है, आप मुस्कुरा दीजिए तो उस कयासबाजी पर और जो है दम मिल जाता है। क्या आप सीरियस कैंडिडेट हैं? कभी कहते हैं 30 तारीख को पता चल जाएगा, कभी 8 तारीख को, कब पता चलेगा कि आप लड़ रहे हैं? ऐसे कहते कहते अध्यक्ष बन जाएंगे आप पार्टी के। मौसमी जी, हाँ, 30 तारीख को नामांकन की आखिरी तारीख है, हाँ, मैं फॉर्म भर रहा हूँ। 4 तारीख को डेट ऑफ विड्रॉल है, उसके बाद पता पड़ेगा कि कौन कौन चुनाव लड़ रहा है।
यानी हो सकता है कि आप विड्रॉ करें, कल नामांकन भरने भरने के बाद आप विड्रॉ कर दें अगर कोई नया उम्मीदवार निकले, आप क्या केवल आप और शशि थरूर रहेंगे या कोई तीसरा उम्मीदवार निकल के आएगा? आप 30 तारीख तक इंतजार तो करिए। और ये हो क्या रहा है, आप जाके गले हाथ मिलाए, गले मिलाए जाके वहाँ ट्वीट कर दिया, फ्रेंडली फाइट हो रही है, ये आप लोग इतिहास रच रहे हैं क्या कांग्रेस में? और शशि थरूर, देखिए शशि थरूर और दिग्विजय सिंह दोनों नेहरू गांधी विचारधारा के लोग हैं, गांधीयन नेहरूवियन आइडियोलॉजी के हम लोग हैं, तो हमारी विचारधारा एक है। ठीक है, हम लोग दोनों चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन दोनों की शक्ति, दोनों की ताकत और दोनों की बुद्धि और श्रम कांग्रेस को मजबूत करने में लगेगी। लेकिन ये बताइए कि आप तो भारत जोड़ो यात्रा तक कल तक थे, अब आप आ गए दिल्ली, क्या होगा भारत जोड़ो यात्रा का, क्या अध्यक्ष रहेंगे या भारत जोड़ो यात्रा के संयोजक रहेंगे? व्हाट इज योर रोल, क्या रोल है आपका? मेरा कैंडिडेटचर 4 तारीख के बाद भी अगर रहता है तो मेरी कैंपेनिंग भी भारत जोड़ो यात्रा से ही चलेगी, मुझे और कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको कौन वोट देगा जब आप अगर अगर इतना मगर मगर लगा रहे हैं तो क्या कांग्रेस के डेलीगेट्स आपको वोट देंगे? इतना नॉन सीरियस कैंडिडेट होगा तो शशि थरूर साहब जीत जाएंगे आपसे? ऐसा है, 17 तारीख को जब काउंटिंग होगी तब बात करेंगे ना। आखिरी सवाल हमारा, चेहरा कौन रहेगा कांग्रेस का, राहुल गांधी या जो पार्टी अध्यक्ष बनेगा? एक बात समझ लीजिए, मैं फिर दोहराना चाहता हूं, बिना नेहरू गांधी परिवार के कांग्रेस पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है, क्योंकि 99% कांग्रेस जन नेहरू गांधी परिवार को अपना नेता मानते थे, हैं और रहेंगे। अच्छा नहीं, आखिरी नहीं सवाल है, सवाल बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि देखिए लगातार ये कहा जा रहा है कि अशोक गहलोत सीएम रहेंगे, एक बहुत बड़ी खबर आई है कि सीएम रहेंगे या नहीं रहेंगे अगले 2 दिन में पता चल जाएगा। क्या दिग्विजय सिंह के लिए ये ट्रिगर था जो राजस्थान में घटना हुई, आपने कहा था कि कैंडिडेट अगर उचित नहीं हुआ तो मैं लड़ूंगा, क्या एक धाड़ा मानता है कि जो अशोक गहलोत ने किया वो पार्टी हाईकमान का अपमान था, उसका कद काट पार्टी हाईकमान का कम करने की कोशिश थी? एक मतलब ऑनेस्ट आंसर चाहिए इस पर। मैं कोई डिसऑनेस्ट आंसर नहीं देता मौसमी जी। तो फिर आप भी बाकी से बताइए। मैं बता रहा हूँ कि ये जिस विषय पे आप बात कर रही है ना, मेरे क्षेत्र के बाहर की बात है। आप कह रहे हैं बियॉन्ड यानी दिग्विजय सिंह जी कहीं ना कहीं अब डिप्लोमेटिक भी बन गए हैं मौसमी सिंह के साथ। मैं राजदीप सरदेसाई, आज तक के लिए ऑल द बेस्ट दिग्विजय सिंह जी। थैंक यू राजदीप, ऑल द बेस्ट। थैंक यू मौसमी, थैंक यू।